अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज श्वेत शेख एंड वेलकम टू माय चैनल देख लो टेक। आज की वीडियो में बात करने वाले मोबाइल डेटा ट्रांसफर के हवाले से। आप मोबाइल चेंज करते हैं या आप न्यू मोबाइल लेते हैं, जो आपके ओल्ड मोबाइल में डेटा होता है, इसमें आपके कॉन्टेक्ट होते हैं, आपकी वीडियोज होती है, इमेजेस या जो कुछ भी आपके ओल्ड मोबाइल में होता है, उस सबको आप न्यू मोबाइल में शिफ्ट करते हैं, तो ये इतना ईजी नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊंगा, जिससे आप बहुत इजीली अपना जो इम्पोर्टेड डेटा है यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पांच ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आपका ये काम बहुत इजी हो सकता है। इसमें जो फर्स्ट है उसका मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और चार का मैं आपको इसके अंदर शॉर्ट सा रिव्यू दूंगा। इसके अंदर जो नंबर वन है कॉपी माई डेटा, और सेकेंड है इनशेयर, थर्ड है जीपीआर, और फोर्थ है क्लोन इट, और फाइव है आईफोन यूजर्स के लिए मूव टू आईओएस। तो आए स्टार्ट करते हैं। मुझे इस मोबाइल का डेटा इस मोबाइल के अंदर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए मैंने डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉपी माई डेटा। मैंने यहाँ भी डाउनलोड की हुई है और मैंने यहाँ भी कर लिए, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इस मोबाइल के अंदर सेटिंग करता हूँ। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से इसको मैं ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कोड मेरे पास आए, कोड मैं यहाँ से एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, कॉपी डेटा टू सिलेक्टेड डिवाइस और कॉपी डेटा फ्रॉम सिलेक्टेड डिवाइस, यानी कि आप डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर यहाँ से यहाँ करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ से यहाँ करना है, तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे कोड दिया है, वो कोड मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। यहाँ पे देखें आपके सामने चार ऑप्शंस आ जाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, फोटोज और वीडियो। अगर आप एक साथ सब सेंड करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो आप वन बाय वन करें। तो मैं यहाँ से वीडियोस हटा देता हूँ, फोटोज हटा देता हूँ, कैलेंडर हटा देता हूँ, कि मेरे फर्स्ट मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद अलाउ करूँगा, तो आप देखेंगे ये काउंट करना शुरू कर देगा कि मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर हैं जो यहाँ शिफ्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने सेंड कर दिए हैं और यहाँ पे रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह आप इसमें वीडियोस भी कर सकते हैं, फोटोज वगैरह इसी तरह आप इसमें सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे वो इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। इसी तरह से जो आपका फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी आप इस तरह यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशंस की। सेकंड ऐप है हमारी इनशेयर, इसके अंदर आप अपनी वीडियोज़, फोटोज़, म्यूज़िक, एप्लीकेशंस, फाइल्स और कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी इजीली शेयर कर सकते हैं। थर्ड ऐप है हमारी जीपीआर, ये एक बहुत पॉपुलर ऐप है, इसके अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट्स, अपना डेटा, अपनी वीडियोस, फोटोज और इवन कि आप एप्लीकेशन वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, या कोई लार्ज फाइल है जो मतलब आप व्हाट्सएप वगैरह पर नहीं कर सकते, जो जीबी के अंदर है वो फाइल भी आप इसके अंदर से इजीली सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्लोन इट। इस ऐप का फ़ायदा यह है कि जो आपका ओल्ड मोबाइल है उसका जो भी डेटा हैगा, उसकी एप्लीकेशन हैं, उसके वॉलपेपर्स हैं, उसकी जो कॉल का हिस्ट्री है, बिल्कुल उसकी डिट्टो कॉपी आपके न्यू मोबाइल के अंदर बना देगा। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। नेक्स्ट है हमारा आईफोन यूजर्स के लिए, बट फ्रेंड्स एंड्रॉयड का कुछ भी आईफोन में ट्रांसफ़र करना इतना ईजी नहीं होता, बट ये एप्लीकेशन एप्पल ने खुद ही बनाई है तो ये काम करती है। ये देखें, इसको बनाने वाला एप्पल खुद हैगा, और इसके ज़रिए आप अपना एंड्रॉयड का जितना भी डेटा हैगा, कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉल हिस्ट्री है, और इसके अलावा फ़ोटोज़ और जो कुछ भी है वो आप इजीली आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।